के थाना बरहन पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल चोर गैंग के चार अभियुक्त गिरफ्तार किए। चोरों की निशानदेही पर चार मोटरसाइकिल, दो तमंचे बरामद किए गए। साथ ही पुलिस ने बरामदगी के सामान के साथ कार्यवाही कर चोरों को जेल भेज दिया। बिजनौर के किरतपुर में स्थानीय मुस्लिम इंटर कॉलेज में सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि हाफिज मोहम्मद उस्मान राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश थे। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसके तहत किसी भी सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी आरटीआई के द्वारा ली जा सकती है। आरटीआई एक ऐसा कानून है जिससे बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है। अगर हम शिक्षित हैं तो आरटीआई जैसे कानून का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनौर के नगीना तहसील के कोतवाली में ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के लिए ब्लॉक कोतवाली छावनी में तब्दील हो गई। 8 सितंबर से बीडीसी सदस्यों में ब्लॉक प्रमुख के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ली थी, जिसमें 11 सितंबर को प्रशासन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के लिए दिनांक 28 सितंबर घोषित कर दिया गया था। तभी से ब्लॉक प्रमुख पूनम चौधरी की रातों की नींद उड़ गई थी। सूत्रों का दावा है कि ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी बचाने के लिए ब्लॉक प्रमुख पति और उनके समर्थकों द्वारा बीडीसी सदस्यों पर तरह तरह का दबाव बनाया जाने लगा है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।